खबर इंडिया 7। इस नाटक के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि इसकी किसी भी व्यक्ति या घटना से समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। यह नाटक सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इंसान को डीडी न्यूज की तरह सरल और सहज होना चाहिए, न कोई लोग न कोई मोह। आइए देखते हैं। 2019 में भी नरेंद्र मोदी का जादू सर चढ़कर बोल सकता है। अपने कैमरामैन प्रेम खोपड़ा के साथ मैं वायु दोस्त परसों तक चैनल। 2019 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की पूरी पूरी संभावना है। अपने कैमरामैन प्रेम खोपड़ा के साथ मैं खबीश कुमार MDTV। आइए अब हम आपको बताते हैं गोबर से खाद बनाने की विधि। दीदी न्यूज से मैं खुद प्रेम खोपड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं देश प्रदेश की गुदगुदाने वाली मजेदार और चटपटी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे दिल्ली संवाददाता ने अभी अभी ताजा खबर दी है कि एक हवाई जहाज रिक्शा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रिक्शा में बैठे 100 लोगों में से 150 आदमी मौके पर ही मर गए, तो वहीं दुर्घटनाग्रस्त जहाज को जिला अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है। कश्मीर के एक इलाके में जबरदस्त गर्मी पड़ने के कारण वहां की मुर्गियां उबले हुए अंडे दे रही हैं। बेवकूफी स्थान के भिखारी मल का सुबह 2:30 बजे देहांत हो गया। यह खबर सुनकर देश विदेश से बधाइयों का ताता लगा हुआ है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि उनके 3 दिन के सड़े गले शरीर को गंदे नाले में प्रवाहित कर दिया जाएगा। पत्नी के रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर पति ने चाय के कप में डूबकर आत्महत्या कर ली। उसको निकालने के लिए 10 मिनटों की पुलिस नहीं भैया, क्रेन बुलाई गई है। थोड़ा चेहरे पे फन लेकर आओ भाई। भैया 500 रुपए की तनख्वाह में तो फन नहीं, ऐसे लटका हुआ चेहरा मिलेगा? करानी मुआंकन कहाँ वरना फन चला। अभी अभी एक बड़ी खबर मिल रही है कि बिहार बस स्टैंड पर एक बम धमाका हुआ जिसमें 75 साल का एक बच्चा और 7 साल की एक कमसिन गुड़िया घायल हो गई। आज सुबह नागपुर के एक शमशान घाट में एक मुर्दा 75 किलो लकड़ी लेकर मेरे द्वारा हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। वहीं लोगों का यह दावा है कि उन्होंने रेलवे स्टेशन पर उस मुर्दे को लड़कियों को छेड़ते हुए देखा है। दिल्ली के दबड़ स्टेडियम में आज भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त मैच हुआ जिसमें भारत ने पहले ओवर में 577,788 रन का बड़ा स्कोर बनाया। वहीं पाकिस्तान की पहली टीम खेलते हुए मात्र एक बॉल पर ही 3 बॉल हो गई। तो भैया बात करते हैं मौसम की। तापमान रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस और रात में 1:30 बजे सूरज निकलने की पूरी पूरी संभावना है। सुबह 9:30 बजे गर्म पानी की गर्म गर्म छींटे आपके थोबड़े पर पड़ सकती है। बारिश? अरे भैया का भगवान थोड़ा ही ना है, वो सारी ही खबरें सही बताएंगे। अपन अब चलने का। तो ठीक है भाई लोगों, अब अपन सरक रेला है। ये पूरा हमारा सबसे चबरवा और पूरा अरे भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, गुड बाय।